गढ़वा जिले की कांस्य पदक विजेता पहलवान प्रियंका कुमारी की सफलता पर पूरे जिले में खुशी की लहर है। गढ़वा जिला कुश्ती संघ की ओर से उसे सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मौजूद बतौर मुख्य अतिथि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने प्रियंका के साथ उनके माता पिता, दादा दादी और कुश्ती गुरु शैलेंद्र पाठक को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर मंत्री ने प्रियंका की सराहना करते हुए कहा कि खेल नियमों के तहत प्रियंका को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आज एक गौरव का दिन है कि हमारी बेटी ने एक इतिहास रचा है जाकर विदेश में और कांस्य पदक प्राप्त किया है। प्रियंका अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजन और मित्रों को देती है। उन्होंने अपनी जीत के लिए सरकार की खेल नीति की भी सराहना की। हमारे गुरु शैलेंद्र पाठक सर को जाता है क्योंकि आज मैं उन्हीं के प्रशिक्षण में मैं वहां तक पहुंची और मैं मेडल लेके आई पाई। सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे फैमिली, क्योंकि अगर आज मुझे वो परमिशन नहीं देते कि मैं बाहर जाऊं तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच। प्रियंका की कामयाबी पर उसके परिवार वाले और उसके गुरु शैलेंद्र पाठक काफी गौरवान्वित हैं। वे बेटियों का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि बेटियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। छोटा थी तो एडमिशन कराने के लिए गए थे तो लगा कि कैसे खेल पाएगी, लेकिन हमको जब एक मेडल जीत करके आई तो हमको हौसला मतलब आगे बढ़ गया। इसको भी हौसला आगे बढ़ गया, मेरा भी, तो हम सोचे कि नहीं इसको आगे और हम बढ़ाएंगे। ऐसा लगा प्रतिभाओं को देख करके, जो हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट लेते हैं कि कुछ करने की क्षमता है, कुछ दमखम रखती है, तो विशेष फोकस किया गया ट्रेनिंग में, शेड्यूल में, डाइट में, और तब जा करके आज यह मुकाम हासिल हुआ है। हमारे देश की बेटियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग की। प्रियंका आज इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।